वेलकम टू मॉम्स यम्मी कुकिंग। आज की रेसिपी है रावा इडली यानी सूजी की इडली। आज हम बिना इडली मेकर और बिना इडली स्टैंड के यूज से इडली बनाएंगे। एक बाउल में 2 कप सूजी ले, इसमें 1.5 कप दही मिलाएं। इसे अच्छे से मिला लें। अब 1 कप पानी को धीरे धीरे मिलाते हुए लंप फ्री बैटर बनाएं। इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आप विंटर में इसे बनाते हैं तो कम से कम 2 घंटे के लिए ढककर रख दें। अब बैटर में 1/2 चम्मच नमक और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर मिलाएं। एक बड़े बर्तन में 2 कप पानी गर्म करें। अब 3 से 4 कटोरी में थोड़ा थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से ग्रीस करें। बैटर में 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालकर मिलाएं। बेकिंग सोडा डालने से बैटर में बबल्स बनेगी जो इडली को सॉफ्ट बनाएगी। अब बैटर को कटोरे में डालें। इडली पकने से फूलेगी, इसलिए कटोरी में कम बैटर डालें। बनने के बाद ये डबल हो जाएगा। पानी खोलने पर इसमें एक स्टैंड रखें। अब इसमें बैटर वाले कटोरे को रखें। इसे ढककर 10 मिनट तक पकने दें। इडली बन चुकी है। इसे 2 मिनट बाद प्लेट में निकाल लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। हमारे रीसेंट अपडेट्स को पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।